नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल पे। आपको बता दें, दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर एक गैंगवार हुआ है। इस गैंगवार में गैंगस्टर तिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई है। फिलहाल पूरी घटना के बाद से दिल्ली पुलिस में हड़कंप मच गया है और मामले की जाँच की जा रही है। इस मामले की जाँच के लिए जाँच कमेटी भी गठित कर दी गई है। आखिर पुलिस की होते हुए इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, ये चिंता का विषय है। जानकारी के अनुसार जेल के अंदर दो गुटों में भिड़ंत हो गई। इस दौरान गैंगस्टर तिल्लू ताजपुरिया पर भी जानलेवा हमला किया गया। बाद में तिहाड़ जेल प्रशासन द्वारा जख्मी गैंगस्टर तिल्लू को दीन दयाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पे बाद में उसकी मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक जेल नंबर 8 में बंद योगेश टुंडा नाम के कैदी ने लोहे की ग्रिल से जेल नंबर 9 में बंद टिल्लू पर अचानक से हमला किया और हमले में टिल्लू बुरी तरह से घायल हो गया था। तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जितेंद्र गोगी गैंग के गैंगस्टर राजेश बवानिया, योगेश टुंडा, दीपक तीतर और रैंचो ने टिल्लू पर यह जानलेवा हमला किया। दूसरे गैंग के लोगों ने टिल्लू की हत्या को अंजाम दिया है। मंगलवार सुबह 6:30 बजे DTU हॉस्पिटल में टिल्लू ताजपुरिया की मौत हुई है। इस घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें, टिल्लू ताजपुरिया 24 सितंबर 2021 में दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुए शूटआउट का मास्टरमाइंड था। कोर्ट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या के लिए गैंगस्टर टिल्लू ने दोनों साथ शूटरों को ट्रेनिंग दिलाई थी और वकीलों जैसा दिखने के लिए उनका प्रोफेशनल व्यवहार करने की ट्रेनिंग भी दी थी। आरोपी उमंग के घर हैदरपुर में ट्रेनिंग हुई थी। वह पेशे से वकील हैं। कोर्ट में हुए शूटआउट में दोनों मारे गए थे। मामले में पुलिस की तरफ से 111 पेजों की चार्जशीट भी दाखिल हुई थी। अब पुलिस टिल्लू की हत्या के विषय पर पूरी जांच कमेटी एक गठित कर दी गई है और मामले की आगे जांच की जा रही है। धन्यवाद। इससे संबंधित खबरों के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल